हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंगाई। इसको फंगाई भी कहते हैं और फंजी भी कहते हैं। तो फंगी क्या है? एक टाइप का किंगडम है। जो तीसरे नंबर पर हम किंगडम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने पढ़ा क्या? हमने मोनेरा को कम्प्लीट कर लिया, ठीक है, प्रोटिस्टा को कम्प्लीट कर लिया है, और आज हम पढ़ रहे हैं फंगी के बारे में। तो फंगी की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले जानते हैं कि वो कैसे डिफर करता है मोनेरा और प्रोटिस्टा से। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर देते हैं आगे की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई क्या है? यूकैरियोटिक। ये एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होती है। इसकी जैसे कि इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, और साथ में न्यूक्लियस एक अच्छे से डिस्टिंक्ट वेराइटी में, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। इसका मतलब, ठीक है, आपको पहले भी जानते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो ये यूकैरियोट्स होते हैं, ओके। नाउ द मल्टी सेलुलर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। बट एक एक्सेप्शन है, यीस्ट। यीस्ट एक ऐसी फंगी है जो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल एक ही सेल में मिल जाती है। एक ही सेल में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, एक ऐसी फंगी है। तो ये एक टाइप का एक्सेप्शन है इसका। अब देखो, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका? फंगाई का। ये क्या करता है? डिपेंड करता है दूसरों पर, दूसरों पर, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, प्रिपेयर वार्म, प्रीफर किस, कौन से हैबिटेट को प्रीफर करता है? ये वार्म मॉइस्ट, यानी जहाँ पर पानी हो, इन इस टाइप की अलग अलग प्लेसेस को ये क्या करती है? प्रीफर करती है अपने आप के जनरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और नॉर्मली कहाँ मिलती है? एयर में, वाटर में भी मिलती है, सोइल में है, एनिमल एंड प्लांट की बॉडी में भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि एनिमल की बात करें तो एनिमल में, हाँ, अगर हम हमारी बात करें तो हमें क्या होता है? स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर वो क्या बोलते हैं कि ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो कौन सा इन्फेक्शन है? फंगल, यानी जो फंगस, यानी फंगी जो है वो इन्फेक्शन पहुँचा रही है एनिमल्स को। ऐसे प्लांट में भी फंगस लगती है। सेल वॉल जो होती है इसमें काइटिन की बनी होती है बेटा, ये आपको याद रखना है। काइटिन की लेयर होती है सेल वॉल वाली। देखो, ये एक टाइप की सेल है, ये एक टाइप का उसका न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर जो लेयर है वो काई की है, काइटिन की, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, ठीक है। अब देखो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ ई मोबाइल, ठीक है, क्या लिखा हुआ ये? ई मोबाइल। ई मोबाइल का क्या मतलब होता है? कि ये मोटाइल नहीं होते। ये जिस जगह पर, अगर एक ही जगह पर है, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता एक टाइप के, अगर ऐसा बोले तो, ठीक है। फ्लैजेला यानी ये मूव नहीं कर सकते, ये एक ही जगह रह रहते हैं। अब देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है? इस पर क्वेश्चन आता है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई, ठीक है। मोस्ट ऑफ फंगाई ग्रो एज हाइफे। हाइफे के फॉर्मेशन बनाते हुए वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, जैसे कि ये इस टाइप की हाइफे होती है, मतलब लंबी लंबी इस टाइप की, इसको क्या बोलते हैं? हाइफे, ठीक है। और हाइफे का क्या मतलब है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लंबे होते हैं, सिलेंडर जैसे होते हैं, और थ्रेड जैसे, मतलब एक थ्रेड मतलब धागे जैसे होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफे। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म बनाती है माइसेलियम। अब अगर मैं इसको एक हाइफे ऐसे जोड़ूँ, दूसरे हाइफे ऐसे जोड़ूँ, तीसरे ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, ऐसे बहुत सारी हाइफे अगर इस टाइप से कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ, तो ये क्या नहीं लग गया? एक टाइप का नेटवर्क बन गया है जो आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो इस टाइप की माइसेलियम, इस टाइप के हाइफे को हम क्या बोल देते हैं? माइसेलियम। बेटा ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी जो है स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो ये हाइफे की फॉर्मेशन मिलते हैं। ये ऐसे नहीं मिलते कि गोल हैं, ये ऐसे लंबी लंबी हाइफे होती हैं, ऐसे 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 लंबी लंबी हाइफे होती हैं। इस टाइप की होती हैं क्या आपकी फंगाई,
ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। और साथ में इसमें पॉलीसेकेराइड मतलब इसके अंदर साथ में रहता है काइटिन का। इसे काइटिन के अंदर क्या कौन सी चीज़ मिली होती है साथ में? पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनने वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। और एक इसमें होती है फंगस के अंदर, ठीक है। अब देखो आगे न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो ये हेटरोट्रॉफिक भी होती हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? ये दूसरों पर डिपेंड है। अब हेटरोट्रॉफिक में कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो भी एनिमल डेड एंड डिके होते हैं, जो ख़राब हो गए, सड़ गए, ख़त्म हो गए, उनके ऊपर ये सर्वाइव करती है, उनको ख़त्म करने का काम करती है फंगस, ठीक है। उसको डिकम्पोज करने का काम करती है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। तो ये फंगस सेप्रोफाइटिक मोड भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती है। एंड पैरासिटिक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होके क्या करना, न्यूट्रिशन लेना, ठीक है। और ये और भी तरीके से कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाम वाला वर्ड है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसको फ़ायदा पहुँचाएगा, ये इसको फ़ायदा पहुँचाएगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है। तो ये इसके ऊपर कुछ, ये इसका कुछ यूज़ करेगा, ये इसको कुछ यूज़ करने देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे ये फंगस के साथ और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं? तो इसमें देखो, एक तो ये तो अलग अलग टाइप के एसोसिएशन का नाम है। अगर अपन देखें इसमें तो क्या ले सकते हैं अपन, यहाँ पर देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में देखो ध्यान से, लाइकेन वाला एक कॉन्सेप्ट है। लाइकेन में क्या होता है, जो एल्गी होती है, एल्गी किसके साथ मतलब हम एक साथ एक दूसरे का ग्रुप बना लेते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं। एल्गी किस पे डिपेंड है? फंगस पे डिपेंड है, फंगी पे। एंड फंगी किस पे डिपेंड है? एल्गी पे। एल्गी क्या करती है, फंगस को शेल्टर सॉरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। एल्गी क्या का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना है और उसके बाद फूड बनना है। तो वो किसको दे देती है? फंगस को। फंगस की हेल्प कर देती है न्यूट्रिशन में। और फंगस इसकी हेल्प कैसे करता है? वो करता है शेल्टर के फॉर्म में, वो उसको शेल्टर देता है। क्या देता है? शेल्टर देता है रहने के लिए। तो इस टाइप के कंपोजिशन को बोलते हैं लाइकेन। याद रखना बेटा, लाइकेन कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो ये क्या एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पर लाइकेन के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि एल्गी के साथ अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं तो प्रीफर फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगी। फंगी को क्या दे देते हैं? न्यूट्रिशन। और फंगी इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है, शेल्टर देने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम बोल सकते हैं आप कि फंगी क्या करती है, एल्गी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया आपका, लाइकेन की फॉर्मेशन हो गई इस टाइप से। इन दोनों को अगर साथ में देखा जाए तो आप लाइकेन बोलेंगे। आप बता ही नहीं सकते कि एल्गी कौन सी है और फंगी कौन सी है, ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में आज इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में।